इनके मुख से भगवान नाम कभी उच्चरित नहीं होता, उन्हें यम के दूत ले जाते हैं। इसलिए गाइए मेरे साथ। जाना है क्या उसके यमदूतों के साथ? जाना है नहीं ना, भगवान के पार्षदों के साथ जाना है? तो गाइए भज नारायण 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 का नाम रे भज नारायण का नाम रे। ओ नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। चेतृष्ण स्मरति तच्चरणारविंदम। और उस व्यक्ति को अवश्य मेरे समीप ले आना जो कभी भी भगवान के चरणारविंदों का ध्यान न करता हो। कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि। और जिसने कभी भी मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम न किया हो, ऐसे व्यक्ति को तो मेरे समीप जरूर लेकर आना। अब समझ में आया गुजराती जय श्री कृष्णा क्यों बोलते हैं? पहले से ही समझदार है, है? क्योंकि भागवत जी में तो आ गया ना कि कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि। और आप सभी तो पहले से समझदार हैं, और गुजराती तो वैसे भी डेढ़ होशियार होता है। इनको पता है कि कृष्ण भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे तो यम के दूत ले जाएंगे, इसलिए दिन भर जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। अभी दो चार दिन में हूं, जब तक क्या बोलोगे? जय श्री राधे। मुझे पता आपका कोई मन नहीं है बोलने का, पर बोलना पड़ेगा बेटा। क्या बोलोगे? जय श्री राधे। ऐसा मत समझना है कि हम केवल जय श्री राधे। हमारा तो जो संप्रदाय का ध्येय मंत्र है वो भी युगल महामंत्र है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे। हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है, चाहे आप जय श्री कृष्णा कहो चाहे जय श्री राधे, पर कहो, नहीं तो 108 वाले तैयार बैठे। ले जाना दो चार को डाल के साथ, मैं देख लूंगा, अभी छांट दूंगा आपको कौन कौन नहीं बोल रहा। भज नारायण 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 का नाम रे नारायण का नाम रे नारायण का नाम रे। ओ नारायण के नाम बिना नहीं आवे।
भज नारायण भज नारायण भज नारायण।